अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और भाई आज आपके लिए लेकर आए हैं ब्रीजा। यार एकदम ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इसमें, जो इसका ये वाला हब, आप ब्रेक वाला जो हब देख पा रहे हो ये पीले कलर का, जो येलो कलर का ये वाला भाई, इसमें दिक्कत क्या आ गई थी कि ये नॉइज़ कर रहा था। जो कैलीपर की पिन है उनमें आवाज़ आ रही थी कुछ, क्योंकि जब इसकी लास्ट टाइम कंपनी में सर्विस हुई थी जब कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन अब मतलब बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ होने लगी थी। तो यार मेरे को डर लग रहा था, पता नहीं कि छोड़ ना जाए, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबे सफ़र पे, तो हालांकि मैं जाता नहीं हूँ लेकिन कई बार इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, तो मैंने कहा यार इनको इसको चेंज करा लेता हूँ। तो यार आज मैं जब तरुण भाई को दिखाने के लिए आया, तरुण भाई भी आने वाले हैं वीडियो में दिखाऊँगा, मैं तरुण भाई के पास पहुँचा तो उन्होंने बताया कि भैया वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, चलाना चाहो तो चला सकते हो, अदरवाइज़ तो कैलीपर पिन है, जो ये रबड़ वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये चेंज होगा। तो मैंने कहा यार देख लो मैं ला देता हूँ। तो भाई मैं स्पेयर पार्ट भी ले आया था, भाई ने टायर भी खोल दिया, ये टायर खोल दिया, इधर भाई ने जैक पे लगा दिया गाड़ी। अब भाई देख रहे हैं इसको, कैलीपर पिन को खोलेंगे। भाई ओरिजिनल में इसका सामान लेकर आया था, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि भाई कोई भी स्पेयर पार्ट हो या एसेसरीज़ हो, भाई जेन्युइन यूज़ करनी चाहिए, लोकल एसेसरीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो फिर तरुण भाई को मैंने बताई तो उन्होंने बताया भाई कैलीपर पिन ही ख़राब है, तो कैलीपर पिन मैं ले आया हूँ वो दिखाता हूँ, जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही लेकर आया हूँ, तो वो इसमें डालते हैं और आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा किस तरीके से इसको चेंज करा जाता है। भाई ये मैं दिखा देता हूँ, एक ये रहा कैलीपर पिन का डिब्बा, एक ये रहा ये वाला दिखा देता हूँ। भाई ज़्यादा महंगा है नहीं ये स्पेयर पार्ट, 215 रुपये का ओनली है, और MGP का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कैलीपर पिन का पूरा सेट है। इसमें मैं आपको पूरा खोल कर भी दिखा देता हूँ, ये खुला हुआ है और ये पैक था, तो ये भैया खोल के दिखा देंगे एक बार। भैया ये खोल के दिखा देंगे तरुण भाई, इसमें ये आता क्या क्या है? ये कैलीपर पिन है, ठीक है जी। ये इसके बुश है रबड़, ठीक है जी। और इसमें ये ग्रीस है, ठीक है जी। ये ग्रीस इसी में लगेगी, TVS की ग्रीस है। तो ये कैलीपर पिन कौन सी वाली खराब हुई होगी? कैलीपर पिन ऊपर वाली खराब हुई होगी, ये वाली जो आवाज करती है जी। तो इससे अब वो आवाज ठीक हो जाएगी जी जी प्रॉपर। तो भाई ये भाई अब चेंज कर रहे हैं, तो ये वाली उन्होंने सामान दिखा दिया, सेट आता है भाई पूरा, ये जो रखा हुआ है प्रॉपर सेट आता है। तो ये मैं दो सेट ले आया था दोनों, क्योंकि आगे के चेंज होने, पीछे वालों में कोई दिक्कत नहीं थी, और वैसे सर्विस भी नज़दीक आ रही है गाड़ी में, वो मैं आपको दिखाई दूंगा। गाड़ी वैसे अभी 7000 के अराउंड चली है, कंपनी में सर्विस कराई थी भाई, और मैं बताता रहता हूँ बार बार वीडियो में भाई कंपनी में ना जब तक गाड़ी वारंटी में हो जब तक सर्विस करानी चाहिए, अदरवाइज़ बाहर ही सर्विस करानी चाहिए अपने अच्छे मैकेनिक के पास, जो बढ़िया सामान डाल सके, बढ़िया टेक्नीशियन हो, पता हो। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में दिखाते रहता हूँ, तरुण भाई मेरी गाड़ियों में, कई गाड़ियों में काम कर चुका है ऑलरेडी पहले भी, जैसे सकोडा में, उससे पहले रेट्स में, स्विफ्ट में। तो भाई मैंने स्विफ्ट की तो सर्विस भाई से ही कराई थी, क्योंकि उसकी वारंटी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा भाई आप ही कर दो मेरी गाड़ी में काम, तो भाई ने ही मेरी गाड़ी में वो पूरा काम किया था। और भाई टचवुड अभी तक उस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है, हालांकि गाड़ी अभी 5000 किलोमीटर चली है लेकिन बढ़िया चल रही है। लेकिन बताओ कंपनी में काम कराने के बाद ये दिक्कतें आए कि कैलीपर पे आवाज़ कर रही है कभी कुछ कभी कुछ, तो भाई मन नहीं करता कि यार इतने पैसे खर्च करो कंपनी ले जाके। तो मैंने कहा यार अब की बार मैंने मन बनाया कि मैं ब्रीजा का भी सर्विस बाहर ही कराऊंगा, तरुण भाई के पास ही, सामान सारा जेन्युइन ला के दूंगा भाई को, बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे कि ये ला के दिया है, ये देख सकते हैं भाई ने पुराने वाली कैलीपर पिन निकाल दिया यहाँ पर, और इधर भाई पूरा प्रॉपर तरीके से इसकी साफ़ सफाई करके जब काम को कर रहे हैं। भाई भाई भी अपने एक प्रोसेस में लगे हुए हैं, जल्दी भाई भी अपना एक छोटा सा सर्विस सेट स्टेशन ओपन करने के उसमें लगे हुए हैं, इसी वजह से बीच में हम कई बार मैं दिखा नहीं पाया भाई को वीडियो में। तो भाई प्रॉपर ये आप देख सकते हो, क्योंकि भाई ये साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज़ खोली लगा दी और फिटमेंट करके दे दी आपने, काम मतलब चलता फिरता काम करके कस्टमर को दे दिया, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर भी अपना पैसा लगाता है, प्रॉपर लेबर भी देता है, तो यार काम बढ़िया होना चाहिए। तो इसी वजह से मेरे को तरुण भाई पे विश्वास रहता है, क्योंकि मैं कई गाड़ियों में इनसे काम करा चुका हूँ और कई रेफरेंसेस भी दे चुका हूँ, जिसके बाद भाई मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरी गाड़ी में भाई बढ़िया काम करके देते हैं। और भाई आज भाई की लुक अलग ही दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ना भाई आज हमारे थोड़ा सा गर्मी की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो भाई ने कहा क्यों ना एक अच्छे लुक में आ जाता हूँ 10-20-25 दिन के लिए, तो भाई ने लुक चेंज कर लिया। क्योंकि आप भाई एक बार शक्ल दिखा दो भाई, भाई तरुण भाई हैं, कभी आप ये कहने लो किसी और भाई से काम करा रहे, तरुण भाई से ही करा रहा हूँ भाई।
तो भाई अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। चलो आगे वीडियो में दिखाता हूँ प्रॉपर किस तरीके से करा जाएगा, प्रॉपर इसको चेंज करते हुए दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अश्वन दीक्ष ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। और भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप तरुण भाई से ही काम कराऊँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फरीदाबाद और हरियाणा में कहीं आसपास एनसीआर में हो तो आप तरुण भाई के पास भी आ सकते हो, अदरवाइज अगर कहीं बाहर से हो तो भाई अच्छे टेक्नीशियन पे जाके काम कराओ और अच्छा स्पेयर पार्ट डलवाओ गाड़ी में, जिससे आपको दोबारा वो दिक्कतें नहीं आए। जेन्युइन स्पेयर पार्ट होगा तो आपको हो सकता है कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि जेन्युइन स्पेयर पार्ट से क्या होता है कि गाड़ी की लाइफ भी अच्छी रहती है, स्पेयर पार्ट्स भी अच्छा रहता है, तो इस वजह से तो टेक्नीशियन और स्पेयर पार्ट दोनों ही अच्छे होने चाहिए, जब भी गाड़ी ठीक तरीके से प्रॉपर परफॉर्मेंस कर पाती है। तो इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ और अभी आपको प्रॉपर भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसको चेंज करा जाता है। आप देख ही सकते हैं भाई ने इधर खोल दिया था, इधर साइड राइट साइड का ड्राइवर साइड का, पहले लेफ्ट साइड का ठीक करा था, इधर ये दोनों कैलिपर पिन निकाल दिए है। भाई साहब दिक्कत है तरुण भाई इनमें कैलिपर पिन में कट रही है दिक्कत। तो भाई जैसे भाई ने बताया कटी हुई है, इधर डिस्क पैड भाई ठीक निकले हैं, पहले तो मैं सोच रहा था डिस्क पैड भी घिस रहे होंगे, लेकिन डिस्क पैड जो है वो बिल्कुल ओके मिले हैं, बहुत है अभी तो बचे हुए हैं यार, बहुत माल है अभी तो डिस्क पैडों में। तो भाई इधर कैलिपर पिन की मेन दिक्कत थी क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी, और भाई गाड़ी भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा चली है जिसकी वजह से दिक्कत आ जानी चाहिए, गाड़ी भी कम ही चली है। तो अब चलो जो भी रहा, पता नहीं कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गाड़ी ज़्यादा मतलब मेरा रफ एंड टफ रस्तों पर जाने का मतलब मैं तो खूब मतलब ऑन हाईवे ज़्यादा रहता हूँ, रफ़ एंड टफ रस्तों पे तो बहुत कमी मेरी गाड़ी जाती है, तो हो सकता है कई बार उस किसी भी वजह से कट गई हूँ कह नहीं सकता, लेकिन दिक्कत इन्हों में जो कैलिपर पिन थी इन्हीं में ही थी। ये ना डिब्बा दूसरे वाला भाई ने खोल लिया यहाँ पर और इधर पूरा प्रोसेस कर दिया, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था पहले दूसरे टायर में भाई ने प्रोसेस पूरा करा था, वो प्रॉपर उसको साफ सफाई करके, क्योंकि देखो भाई जब तक कोई भी चीज़ आप नई लगा रहे हो उसको क्लीन एंड क्लियर करके नहीं करोगे तो भाई दिक्कत रहेगी रहेगी, उस दिक्कत को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए टेक्नीशियन का मेन होना मतलब उसको उस चीज़ के बारे में सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ भाई एक तो स्पेयर पार्ट जेन्युइन यूज़ करो, एक्सेसरी मतलब कहने का मतलब गाड़ी में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे वो इंजन ऑयल है, चाहे वो कूलेंट है, चाहे वो गेयर ऑयल है, चाहे कोई स्पेयर पार्ट है, चाहे कोई एसेसरीज है, यार जेन्युइन होनी चाहिए जो कंपनी रिकमेंडेड करती है। अब मैंने जैसे कि यार पहले इस गाड़ी की सर्विस कंपनी से कराई थी, लेकिन यार मैंने कई बार पहले भी मैं कई गाड़ियाँ यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अब ना कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ चुका है क्योंकि वहाँ पर यार काम अच्छा करते नहीं है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में दिखाया था कि भाई मेरी गाड़ी में जो इंटरकूलर था वो यार चेंज कर दिया था, बताओ नई गाड़ी का इंटरकूलर चेंज कर दिया, यार भरोसा से उठ गया, मैंने कहा यार अब मैं अबकी बार जो सर्विस कराऊँगा बाहर ही करा लूँगा, तो मैंने स्विफ्ट की बाहर ही कराई थी, लेकिन उससे पहले मैं इसकी ब्रिजा की सर्विस करा चुका था कंपनी में, तो इस वजह से, लेकिन भाई कंपनी वालों ने भी थर्ड क्लास सर्विस करा के दी, अभी गाड़ी 7000 किलोमीटर चली यार, दिक्कत आ गई इसमें, और जो आज मेरे को तरुण भाई के पास आना पड़ा, भाई ने फिर दोबारा इसको खोल के ही आप देख सकते हैं भाई नई वाली कैलिपर पिन डाल रहे हैं, ग्रीस नहीं लगा रहे हैं, तो भाई ने कहा भैया ऐसा है सर्विस पर और देख लेंगे कोई दिक्कत होगी, लेकिन फ़िलहाल जो दिक्कत है वो कैलिपर पिन की है, इन्हें मैं चेंज कर देता हूँ, और जब सर्विस आप कराओगे जब 2500 किलोमीटर और चला लो गाड़ी, 9000 के आसपास जब गाड़ी चल जाए सर्विस होने के बाद, जब आपके 9000 किलोमीटर पूरे हो रहे हो जब आप आ जाना, फिर प्रॉपर एक बार और चेक कर लेंगे, वैसे अभी तो इन्हीं की आवाज़ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई इसे करा दो, तो भाई ने ये सारा काम कराया, भाई अभी कर ही रहे, राइट साइड का टायर खोला, ये वाला टायर आप देख ही सकते हैं,
इधर भाई ने कैलिपर पिन लगाने काम चालू कर दिया। मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि भाई कैलिपर पिन किस तरीके से लगती है, पैड भी साफ करेंगे भाई, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से पैडों की सफाई होगी। और ये पिन को लगा रहे हैं भाई साहब, मैं दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ, इस एंगल से दिख नहीं पाएगा आपको, ये आप देख सकते हैं जो नई वाली कैलिपर पिन है ये भाई ने यहाँ लगा दी। और ऊपर वाली अब लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाली अभी बॉक्स में ही है, तो उसको भाई अभी प्रॉपर लगाएंगे। भाई आप देख ही सकते हैं भाई ने प्रॉपर तरीके से दोनों लगा दिए, और डिस्पैड वगैरह भी भाई ने चेक कर लिए थे, ओके थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें, तो डिस्पैड भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकले। तो भाई अब कहने का मतलब ये है कि इसको अब लगाया जा रहा है, प्रॉपर फिट करा जा रहा है, ये इसके नए वाले जो बोल्ट निकले थे वो हैं। तो भाई कुल मिलाकर काम यार हो गया, क्योंकि तो यार आवाज़ बहुत मोटी और वाइब्रेशन के साथ आ रही थी यार, ऐसा लग रहा था पता नहीं गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई। सस्पेंशन फिर मैंने भाई से चेक कराया, भाई ने चेक करा, फिर सुन भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है गाड़ी, आराम से चलाओ। और जैसे इसके 9000 किलोमीटर सर्विस होने के बाद के पूरे हो जाएंगे तो फिर इसको एक बार प्रॉपर चेक कर लेंगे। तो भाई मैं अब मेरे ख्याल से इस महीने तो नहीं, मैं शायद नेक्स्ट मंथ ही देखूँगा सर्विस का, हो सकता है इस महीने भी गाड़ी ज़्यादा चल गई तो करा लेंगे सर्विस। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई इस वीडियो में इसलिए बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आपको प्रॉपर पता चलता रहे, क्योंकि देखो यार मैकेनिक्स क्या होते हैं कि भाई बहुत सारे मैकेनिक्स अच्छे नहीं होते, वो उनको क्या होता है कि बस पार्टी को कस्टमर को खर्चा बता दो, भाई ये खर्चा है वो खर्चा है, और वो खर्चा बता के और अपना अलग हो जाते हैं, और इस वजह से दिक्कतें आती हैं कि भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब सर्विस का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये नहीं कि अब जैसे भाई ने मेरे से डिस्पैड की, मैं कह रहा था मैं कि भाई कहीं ख़राब तो नहीं है, भाई ने कहा नहीं नहीं भाई ख़राब नहीं है और चल जाएंगे, अभी तो बहुत बचे हुए हैं डिस्पैड आपके, कोई कैसे भी दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ। तो भाई अब ये देखो सफाई भी कर रहे हैं भाई डिस्पैड की, तो मैंने फिर वो चेंज नहीं कराया अब डिस्पैड, अभी तो मैं चलाऊँगा इन्हीं को। तो कहने का मतलब ये है भाई टेक्नीशियन का बहुत होना, एक मैकेनिक का वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई इसलिए मैं इन चीज़ों को दिखाते रहता हूँ कि भाई को कल आपके साथ कोई दिक्कत आए तो आप उस चीज़ को खुद हैंडल कर सकें, खुद समझ सकें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं आगे से आवाज़ आ रही है सस्पेंशन की, ना वो कैलिपर पिट की हो या किसी सस्पेंशन में चलो कभी आवाज़ बन जाती है तो माउंट्स की बन जाती है, या कई बार कई और चीज़ें होती हैं जैसे कि यहाँ पर ये माउंट पिक रहे होंगे आपको, ये वाले इनकी हो जाती है, ये कनेक्टिंग रॉड होती है, जो ये टाई रॉड होती है इनकी हो जाती है, तो भाई कहीं भी हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए गाड़ी के बारे में कि हाँ भाई इन चीज़ों से भी दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं यार इसका आपको मेरी वीडियो से कुछ सहायता मिल सके इसलिए इन वीडियो को मैं बनाता रहूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। और भाई वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे अश्वनी दीक्षित ब्लॉग की वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें, और अश्वनी दीक्षित ब्लॉग को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें।